हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फिर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ ये है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल का कंपेरिजन होने लगा है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान बसेस के बारे में, फुल कंपेरिजन होने लगा है और न्यू आ जाए 2023 का कंपेरिजन। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बस आपको बहुत ही कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। आज 2023 में बस का ट्रैवल एक गुड ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि बस में आपको कम पैसों में बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम इंडियन और पाकिस्तानी बसेस के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किस कंट्री की बसेस पैसेंजर को कैसी फैसिलिटीज देती हैं। और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इन्फो विद डोम। अगर हम दोनों कंट्री में बस हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में पहली बार बस 1926 में अगवान चर्च से लेके क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई तक चलाई गई थी। और पाकिस्तान में पहली बस सर्विस की बात करें तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से एक साल पहले यानी 1947 में कराची सिटी में बस सर्विस शुरू की गई थी। अगर बस सर्विस के बाद नंबर ऑफ बस की बात करें तो इस वक्त पूरे इंडिया में 22 लाख बसेस मौजूद है और वहीं दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में 3 लाख बसेस चल रही हैं। दोनों कंट्रीज में इतनी ज्यादा बसेस होने के साथ इनमें ट्रैवल करने वालों की बात करें यानी नंबर ऑफ पैसेंजर की, अगर इंडिया में बस प्रेफर करने वाले पैसेंजर की बात करें तो इस वक्त पूरे इंडिया में हर रोज 15 करोड़ से ज्यादा लोग बस से सफर करते हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग बसेस से सफर करते हैं। अगर हम दोनों कंट्रीज में बस कंपनीज की बात करें तो आज 2023 में दोनों ही कंट्रीज में पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया में 4500 पब्लिक और प्राइवेट बस कंपनीज काम कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट बस कंपनीज हैं। अगर हम दोनों कंट्रीज की पॉपुलर बस कंपनीज की बात करें तो इस वक्त इंडिया में SRS ट्रैवल, KPN ट्रैवल, नीता एंटवर ट्रैवल, अभी बस ट्रैवल और जबर ट्रैवल जैसी कंपनीज हैं। और वहीं पाकिस्तान में इस वक्त फैसल मूवर्स, डेवो एक्सप्रेस, नियाजी एक्सप्रेस, सानिया एक्सप्रेस और राजपूत ट्रैवल जैसी कंपनीज हैं। अगर हम दोनों कंट्रीज में बस क्लासेस की बात करें तो इस वक्त इंडिया की बसेस में स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, लग्जरी क्लास और बिजनेस क्लास शामिल हैं। और वहीं पाकिस्तान की बसेस में आपको एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास, स्लीपर क्लास और प्रीमियम क्लास जैसी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर क्लासेस के बाद हम दोनों कंट्रीज में लग्जरी बस की बात करें तो इंडिया में इस वक्त सबसे लग्जरी बस वोल्वो 9600 है, जिसमें पैसेंजर्स को हर वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आपको प्लेन के सफ़र में मिलती हैं। खाने पीने से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर फैसिलिटीज़ मौजूद है। और वोल्वो की इस बस में आपको एक लग्जरी टॉयलेट भी देखने को मिलेगा। और वहीं पाकिस्तान की सबसे लग्जरी बस की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे लग्जरी बस क्यू कनेक्ट है, जिसका रूट लाहौर से इस्लामाबाद है। इस बस में आपको खाने पीने से लेकर एंटरटेनमेंट और कंफर्टेबल ट्रैवल देखने को मिलता है। इस बस में भी आपको एक लग्जरी वॉशरूम और किचन की सहूलत मिलती है। लग्जरी बस के बाद अगर उन बसेस की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया में इस वक्त टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कंपनीज बस मैन्युफैक्चर कर रही हैं। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त पूरे तरीके से बस मैन्युफैक्चर अपनी तो नहीं, लेकिन बसेस के पार्ट्स इंपोर्ट करके टोंगटोंग और डेवो कंपनी के प्लांट में बसेस को असेंबल किया जाता है। अगर लास्ट में हम दोनों पब्लिक बसेस की बात करें तो इंडिया की सारी पब्लिक बसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, जिनमें BRT बसेस भी शामिल हैं और इन बसेस में इलेक्ट्रिक बसेस भी इंक्लूड की गई हैं। और पाकिस्तान में पब्लिक बसेस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रन कर रही है। और पाकिस्तान में 6 BRT बसेस प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक बसेस भी इंक्लूड की गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप दोनों कंट्रीज़ के बस सिस्टम के बारे में और भी कोई इंटरेस्टिंग बात जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। यार, आपने देख लिया है कि साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की बसेज जो है ना, पाकिस्तान में बनाई नहीं जाती, पाकिस्तान में से इंपोर्ट, दूसरी मुल्कों में इंपोर्ट होती है, वो पाकिस्तान में असेंबल होती है, बनाई जाती है। तो यार, आप यही सी जो है ना वो कर लो, इंडिया में खुद ये बसें बनाई जाती है। बल्कि मैं बताऊं कि चाइना ने
और भी कई देश हैं जिन लोगों ने इंडिया को कहा हुआ कि मुझे हमें ऐसी बसें चाहिए, मतलब वो ऐसी बसें बनाती हैं, चाइना में बनाई जाती हैं, मैं बताऊँ वो डब्बा होता है डब्बा, वो जो है ना टक्कर मारती जो है ना ख़त्म हो जाती है। इंडिया को अभी ऐसी ऐसी बसें हैं मैन्युफैक्चरिंग, अब ये वाली बस देखिए इन लोग इंडिया वालों ने खुद बनाई है, और क्या बसेज हैं इनकी यार, क्या लेवल की। इस बस का जो है ना मैं रिव्यू करूँगा, अगर आपका कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे तो यार इंडिया की बसेज बेस्ट लगी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यार इंडिया की खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और पाकिस्तान जो है और कितने लाखों लोग जो है ना इंडिया के जो है ना वो बस ट्रेवल कर रहे हैं, इंडिया की ट्रेन में बसों में वो ट्रेवल्स कर रहे हैं यार, वो बहुत लेवल के यार। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर लें, दोस्तों के साथ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।